सीधा आपको दिल्ली के भाजपा कार्यालय लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पहुंचे, और देखिए अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उन्हें संबोधित करते हुए। गुजरात में देखिए 156 सीटों पर जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और उसी की खुशी जाहिर करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको अभी नजर आएंगे। मंच पर पहुंच चुके, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां देखिए मंच पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। तो ये मंच की तस्वीरें हैं, भाजपा कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें, और ये देखिए ये है जश्न की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर, जिस तरीके से एक प्रचंड जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली है 156 सीटों पर, और उसी की खुशी जाहिर करते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये मंच की तस्वीरें आप दिल्ली से लाइव एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं, अमित शाह साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगे कि किस तरीके से जनता का वो आभार जताते इस प्रचंड जीत के लिए जो गुजरात की जनता ने जनादेश दिया। उसके बाद ये देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामहिम इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें माला पहनाकर। बैठ जाइए, आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए आप सब की ओर से, और मैं अपनी ओर से, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है, और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है।
जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।